Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th की यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन से एक टॉपिक देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके मिसलेनियस क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करने से स्टार्ट करते हैं. लेट एस बी द सेट कंटेनिंग ए कॉमा बी कॉमा सी एंड टी इज द सेट कंटेनिंग 1, 2, 3. फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ From S to T, if it exists. Option number 1. F is the set containing ordered pair A, 3, B, 2 and C, 1. Option number 2. F is the set containing ordered pair A, 2, B, 1 and C, 1. Okay. तो यहाँ पे basically हमें क्या दिया है? हमें दो set दिए हैं S और T. S set के अंदर तीन elements दिए हैं. A, B और C. और टी में भी तीन एलिमेंट्स दिए हैं, 1, 2 और 3. और हमें क्या बोला है कि एक फंक्शन एफ हमने डिफाइन करना है फ्रॉम एस टू टी. ठीक है, जिसके अंदर एफ में हमें फर्स्ट ऑप्शन में ऑर्डर्ड पेयर क्या दिए हैं, ए कॉमा 3, बी कॉमा 2 और सी कॉमा 1. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और अगर वो करेगा तो हमें वो फाइंड करना है. ठीक है, अब किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल किस केस में बोलते हैं, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब वो 1, 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है. तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में जो फंक्शन है वो 1, 1 ऑन टू है या नहीं. अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एफ फंक्शन से ए की इमेज है 3, बी की इमेज है 2 और सी की इमेज है 1. और डायग्रामेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये हमारा एस है, ये टी है, एस के अंदर एलिमेंट्स ए बी सी और टी के अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3. ए की इमेज 3, बी की इमेज 2 और सी की इमेज 1. अब यहाँ पे देखो, हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इमेज है. कोई भी एलिमेंट इमेज शेयर नहीं कर रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1, 1. ऑल्सो टी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्पेयर है. ठीक है, मतलब सभी की प्री इमेज है, तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू. तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है. और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, फ्रॉम टी टू एस. ओके, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इट वुड बी अ सेट कंटेनिंग रिवर्स ऑर्डर पेयर. मतलब 3 की इमेज क्या हो जाएगी, ए, 2 की इमेज हो जाएगी बी और 1 की इमेज हो जाएगी सी. ओके, सो ये था हमारा पार्ट 1. ओके, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को कंसीडर करते हैं, जहाँ पे फंक्शन एफ अभी भी एस से टी पे डिफाइन है. और फंक्शन एफ में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या दिए हैं, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1 और सी कॉमा 1. ठीक है, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे अगर हम, तो मतलब इस फंक्शन के थ्रू ए की इमेज है 2, बी की इमेज है 1 और सी की इमेज है 1. ओके, डायग्रामेटिकली सेट एस, सेट टी, ए बी सी, 1, 2, 3. ए की इमेज 2, बी की इमेज 1 और सी की भी इमेज 1. ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर देखोगे तो बी और सी दोनों की सेम इमेज मिल रही है 1. ठीक है, मतलब ये 1, 1 नहीं है. ठीक है, ये मैनी 1 है. अब डायरेक्टली हम यहीं से बोल सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता. ऑल्सो ये ऑन टू भी नहीं है, ये इन टू है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, हेंस एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, यही करना था हमें, पता लगाना था एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं और उसे फाइंड करना था. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.